भारत में एक बार फिर कोरोना पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। केरल में कोविड संक्रमण से जहां 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। और इसी को लेकर यूपी सरकार ने भी सभी जिलों मुख्यालयों पर स्वास्थ्य विभाग को चौकन्ना और अलर्ट रहने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ने के साथ ही ताज नगरी आगरा में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर जिला अस्पताल में कोविड को लेकर अभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आगरा कैंट पर RT-PCR की टेस्टिंग की जा रही है। वहीं जिला अस्पताल की बात करें तो यहां बंद पड़े हुए ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनीता शर्मा का कहना है कि कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सभी अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोविड को लेकर पहले से ही यहां पर मॉक ड्रिल की जाती रही है, जिससे चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ हमेशा सतर्क और सजग रहे। वही अब COVID-19 के बढ़ते मामलों को लेकर मेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों को सतर्कता बरतने की हिदायत दे दी गई है। देखिए, जिला अस्पताल आगरा में समय समय पर मॉक ड्रिल होती रहती है और हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई कह लीजिए या मेडिसिन है या हमारे वार्ड्स हैं, स्टाफ ट्रेंड है, सब बात है। हमारे पास नेबुलाइजर है, तो सभी कुछ है, सुविधाएं। कोई अलग से वार्ड भी तैयार किया जाएगा क्या अगर पेशेंट आते हैं? हमारे पास है वार्ड। यदि पेशेंट आएगा तो हम आइसोलेट कर देंगे उसको। हमारे पास 20-20 बेड के 3 वार्ड हैं, तो 20 बेड का हम उसको डिमार्केट कर देंगे। पेशेंट आएंगे तो अभी तो कोई कोविड के पेशेंट है नहीं।